बात करते हैं शेयर बाजार की। कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बीच भारतीय बाजार में बिकवाली रही। आज सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल, तेल, गैस, पावर शेयर्स में रही। हालांकि निफ्टी 7,850 के ऊपर बंद होने में सफल रहा, लेकिन इंट्राडे में ये 7,850 के नीचे तक फिसल गया था। वहीं सेंसेक्स 25,600 के ऊपर बंद हुआ और सीमेंट और मिडकैप फार्मा शेयर्स में खरीदारी रही। Well, I think FIs have shown a lot of courage and consistency in the last, especially budget के बाद, और consistently वो buy कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि जिसकी वजह से Apple का disturb हो जाएगा। Of course, अगर ये बात अलग है कि अगर Fed decides to increase the interest rates in one of the coming meetings, तो it may change or disturb the equilibrium. चौथी तिमाही में वेल्सपन इंडिया का मुनाफा 20% बढ़कर 193 करोड़ रुपए रहा है। वेल्सपन इंडिया की सीईओ दीपाली गोयनका का कहना है कि मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। दीपाली गोयनका से खास बात की हमारी संवाददाता सिल्की सिंह ने। ये जो आपने ग्रोथ देखी है, ये हमारे एक्चुअली आई थिंक वी वुड बी वन होम सप्लायर्स एक्चुअली जो कि मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो करते हैं, जैसे टॉवल्स हैं, शीट्स हैं, कारपेट्स हैं, बेसिक बेडिंग है, रग्स हैं। तो उस पोर्टफोलियो से ये कंट्रीब्यूशन जो आपने देखा है ग्रोथ का रेवेन्यूज़ में, उसमें दिखा है आपको। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन हमारा रहा है, 34% हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट से आया है और 13% हमारा ब्रांडेड प्रोडक्ट से आया है। सो डेफिनेटली और आगे भी आप देखेंगे ये बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो जीएमआर एचआईएल के सीईओ एसजीके किशोर का कहना है कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही बोर्डिंग को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। किशोर के मुताबिक देश के एविएशन सेक्टर में जोरदार संभावनाएं हैं और एयरपोर्ट्स की क्षमता बढ़ाने की जरूरत। एसजीके किशोर से खास बात की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। जीएमआर ने पहली बार देश के अंदर हैदराबाद एयरपोर्ट पे ई बोर्डिंग की सुविधा शुरू करी है। तो ये क्या एक्चुअली ई बोर्डिंग है, क्योंकि अभी लोगों के लिए एक नया टर्म है। ई बोर्डिंग जो हमने इधर पिछले साल हमने पायलट प्रोजेक्ट पहले किए थे और इसके बाद जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने क्लियर किया था, उसका यही मतलब है कि जहाँ तक हो सके मैनुअल इंटरवेंशन कम हो और पैसेंजर खुद सीमलेस जब जैसा वो टर्मिनल एंटर करता है टिल ही बोर्ड्स द एयरक्राफ्ट, मैनुअल इंटरवेंशन कम करने का प्रयास था। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आ रहे हैं दिन ब दिन जो बढ़ते जा रहा है, उसका इस्तेमाल करने का। एविएशन कंपनीज हैं, उनका हमेशा से ये कहना होता है कि वो उनके तो मार्जिन कम है, लेकिन एयरपोर्ट डेवलपमेंट चार्जेज इतने हैं, इस वजह से जो ग्राहक है उसके ऊपर रहना, वो सस्ते टिकट नहीं देख पाते। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आप जैसी कंपनियों का ही मेन रोल रहता है? व्हेन यू वांट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुफ्त में नहीं मिलेगा, तो उसका चार्जेस तो रहेगा। एंड इधर तो बेसिकली रेगुलेटर हैं, वो डिसाइड करेगा क्या चार्जेस रहना है। तो एयरपोर्ट खुद अपने तरफ से कोई चार्ज नहीं फिक्स कर पाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज, गुड क्वालिटी, गुड एक्सपीरियंस एंड सम चार्जेस विल बी देयर। एंड इनिशियली थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वो कम हो जाएगा। पैसेंजर्स के ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये यूजर चार्जेस कम हो जाएगा। तो ऑड इवन फॉर्मूले से देश के सियासतदान भी नहीं बच सके। आज से बजट सत्र का दूसरा सत्र शुरू हुआ और इस दौरान कई सांसदों के लिए फॉर्मूला काफी ऑड साबित हुआ तो कुछ ने इवन रवैया अपनाते हुए इसका पालन किया। वहीं कुछ सांसदों ने नियमों से खुद को छूट देने की मांग की है। ये ऑड इवन के चक्कर में और जो नियम और कानून है उसका पालन करना चाहिए, उस दृष्टि से किया। निश्चित तौर से कानून का पालन करने वाला हूँ, कानून का पालन करूंगा, कानून का पालन करता रहा। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को राजनेताओं का भी ऑड इवन समर्थन ही मिल रहा है। कुछ इसके समर्थन में है तो कुछ नाराज हैं। सांसदों के लिए चलाई गई स्पेशल डीटीसी बसों में महज कुछ ही सांसदों को ही संसद जाते देखा गया। बीजेपी सांसद परेश रावल ऑड इवन नियम तोड़ते हुए इवन नंबर की कार से संसद पहुंचे तो AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पैदल ही संसद पहुंच गए। थोड़ी दिक्कत है पर ठीक है, अगर 10-15 दिन की बात है तो किसी तरह निकाल लेंगे। पैदल चलने से परेशानी क्या है, हम कार पास दिया गया लोकसभा के MPs को और जो MPs दूसरी गाड़ी खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं अन्य सांसदों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कार पूलिंग करें और नहीं तो बस सेवा का उपयोग करें।
सांसद पप्पू यादव ने तो संसद भवन में ऑड इवन का मुद्दा उठाया, केजरीवाल को साइको तक कह दिया। ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री है ये साइको है, साइको, ये साइको मुख्यमंत्री है, इससे बड़ा बेईमान, इससे बड़ा गैम्बलर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। कुछ सांसदों ने कल लोकसभा स्पीकर से मांग की थी कि उन्हें ऑड इवन फॉर्मूले से अलग रखा जाए, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा सेक्रेटरिएट को सांसदों को गाड़ियां मुहैया कराने को कहा था। लेकिन सवाल है कि क्या सांसदों की गाड़ियां प्रदूषण नहीं फैलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस ने केंद्र पर गैर बीजेपी शासित में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस ने उत्तराखंड मुद्दे पर चर्चा की मांग की। सरकार ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसका केंद्र से लेना देना नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट अगर हर स्टेट में डिस्टेबलाइज कोशिश करे तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। संकट हमारी पार्टी के द्वारा अथवा एनडीए के द्वारा ये कोई संकट पैदा नहीं किया गया। उत्तराखंड मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा। कांग्रेस ने केंद्र पर लोकतंत्र से अपमान का आरोप लगाया। जानबूझकर केंद्रीय सरकार प्रोवोक करती है अपोजिशन को, इंड्यूस करती है डिसरप्शन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ये सब जुडिस है, डिस्कशन हो रहा है, उसमें उस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं कर सकते। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 25 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा। अभी भी जीएसटी बिल समेत कई अहम विधेयक अटके हुए हैं। सरकार के एजेंडे में लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 11 विधेयक पारित करना शामिल है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अध्यादेश पर भी केंद्र सरकार को दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होगी। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संसद की एथिक्स कमेटी की बैठक चल रही थी विजय माल्या की राज्यसभा सदस्यता पर फैसला लेने के लिए, और उस पर अभी फिलहाल अपडेट यह है कि माल्या पर एथिक्स कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और विजय माल्या को एक हफ्ते का समय दिया गया है। विजय माल्या को एक हफ्ते का समय दिया, माल्या पर एथिक्स कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। तो विजय माल्या को एक हफ्ते का समय दिया गया है और एथिक्स कमेटी की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर है। एथिक्स कमेटी की बैठक चल रही थी, संसद की एथिक्स कमेटी की बैठक, और फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और विजय माल्या को एक हफ्ते का अभी फिलहाल समय दिया गया है। तो एक हफ्ते का समय दिया गया है, तो कहा जा सकता है कि विजय माल्या की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। और लगातार एक तरफ बैंक्स का भी शिकंजा कसता जा रहा है और उधर ईडी भी जांच में तेजी बनाए हुए है। और अब ये अपडेट कि संसद की जो एथिक्स कमेटी की बैठक चल रही थी फिलहाल उसमें विजय माल्या को एक हफ्ते का समय दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर सकते हैं अपने संवाददाता आलोक का। आलोक, संसद की एथिक्स कमेटी की बैठक फिलहाल चल रही थी, खत्म हो गई, इसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है? देखिए, बैठक खत्म हो गई एथिक्स कमेटी की, और एथिक्स कमेटी ने यूनिवर्सली ये डिसीजन लिया है कि विजय माल्या की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और इस मसले पर जो प्रोसीजरल कार्रवाइयां हैं उसके लिए ये तय किया गया है कि विजय माल्या को एक चिट्ठी भेजी जाएगी जिसमें एक हफ्ते का वक्त दिया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा जाएगा। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो 3 तारीख को एक बार फिर से बैठक होगी और उसमें ये तय है कि विजय माल्या की सदस्यता रद्द की जा सकती है एथिक्स कमेटी की तरफ से। तो ये बड़ा फैसला है एथिक्स कमेटी का। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी और आज जो बैठक हुई है, आज की बैठक में ये सभी एथिक्स कमेटी के यूनियन जो एक राय से एक सम्मत सभी ने ये इस बात का फैसला किया कि विजय माल्या की जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि विजय माल्या संसद एक सांसद के आचरण के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। जी आलोक, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।